नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिंटल बीम के बारे में। लिंटल बीम आप देख सकते हैं डोर और विंडो फ्रेम के ऊपर। आप इस तरह से लिंटल बीम, जिसकी जो थिकनेस है वो है 125 mm, जो है इसकी थिकनेस है लिंटल बीम की। इसमें RCC बीम है, ये RCC लिंटल बीम है। इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है वो डोर या विंडो फ्रेम को फिक्स करते हैं तो टॉप लेवल पे इस तरह से जो है लिंटल बीम प्रोवाइड कर लीजिएगा। लिंटल बीम प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथियों, क्या होता है कि ऊपर की जो ब्रिक मशीनरी है, इसका लोड जो है डायरेक्ट भार जो है वो आपकी वुडन विंडो फ्रेम के ऊपर ना आए या फिर वुडन डोर फ्रेम के ऊपर ना आए, इसीलिए जो है लिंटल बीम प्रोवाइड कर लिया जाता है, ताकि आपका जो ऊपर वाली जो आपकी इसके ऊपर जो ब्रिक मशीनरी की गई है, इसका लोड जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपकी वुडन फ्रेम के ऊपर ना आकर आपकी दीवारों से या फिर कॉलम से ट्रांसफ़र हो जाए फुटिंग में, फाउंडेशन में। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर लिंटल बीम के ऊपर आप देख सकते हैं डोर फ्रेम के ऊपर लिंटल बीम प्रोवाइड किया जाता है। और इन फ्यूचर अगर आपकी डोर फ्रेम या फिर विंडो फ्रेम ख़राब होती है, उसमें दीमक लगती है, सड़ जाती है, या फिर किसी तरह की कोई भी कारण से जो है वो विंडो फ्रेम को चेंज करना होता है आपने, तो उसे आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपका लिंटल बीम पड़ा होगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, ताकि आपका घर भी मजबूत और सुरक्षित बन सके और इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।